आज वार्ड 45 बालाजी नगर में महती चुनावी सभा को संबोधित करते हुए भाजपा के पी श्याम सुंदर राव, सत्यवती साहू, जयशंकर चौधरी व दया सिंह को प्रचंड मतों से विजयी बनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि आप भाजपा के सभी प्रत्याशियों को विजयी बनाकर अपना 5 साल सुरक्षित करें। श्री पांडे ने कहा कि कांग्रेस केवल झूठ के बल पर भरमाने का काम करती रही है। उन्होंने ग्रैंड न्यूज से अपने विचार व्यक्त किए। जो कमल है वो भारतीय जनता पार्टी, बाकी कुछ नहीं। तो फिर बाकी गुटू गुटू वाले गुटका खाते रह गए। ये पत्ता वैसा ही है, ये पत्ता वैसा ही है जैसा मुख्यमंत्री जी के गुरु डी में 1976 और वो आज भी पट्टा लेके घूम रहे हैं, जमीन नहीं मिला है। वैसे ये चुनाव के बाद लोग पट्टा लेके घूमेंगे और जमीन नहीं दे। आसन निगम के सभापति पी श्याम सुंदर राव ने ग्रैंड न्यूज से चर्चा करते हुए कहा कि पिछले 20 वर्ष से इस क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद मिलता रहा है, जिसकी वजह से यहां पर विकास की गंगा बहाई गई। सर, आप कई वर्षों से जैसे अभी भी अनदेखा किया जा रहा है, इसके पीछे कारण जैसे कि सर सड़क की समस्या हो चुकी है और बिजली की है और पानी काफ़ी गंदा आ रहा है बीच में। पानी गंदा आ रहा था तो पानी का तो पाइपलाइन बरसात में ओवर हो जाता तो पानी को गंदा जाता, ऐसा कोई पानी का नहीं है। और बिजली कहाँ, CSCB का बिजली में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बीच बीच में ऐसी प्रॉब्लम आ जाती थी कि कभी भी लाइन कट जाती थी, लोगों को काफ़ी समस्याएँ जा रही थी। देखिए, ये तो समस्याएं तो अनंत और समस्या कोई जानने से क्रिएट करता है। अब मशीन है, थोड़ा बहुत फॉल्ट आ जाता तो हो जाता है, समस्याएं मशीन में हो जाता है। सर, आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव? देखिए, मैं 20 साल से इस वार्ड का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं, जब से नगर निगम बना है। तो मेरे को तो ऐसा नहीं लगता है कि कोई समस्या, या तो फिर मैं कोई अपनी तरफ से चुनावी घोषणा पत्र जारी करूँ, ये तो बेमानी है। क्योंकि 20 साल से हूँ ना, तो उसका कोई, मैं इस बार इस चुनाव के चुनाव में इस संबोधन में जा रहा हूँ कि लोग जो बताएंगे मैं आगे होगा। मगर इस बार मैं लोगों के बीच में इसलिए जा रहा हूँ कि आप बताइए, उसको मैं नोट करूँगा, उसको मैं आगे आपके हिसाब से काम करूँगा। ये लोगों के बीच में मैं करूँगा। मैं पूरा हर घर में, मेरे ख्याल से हर घर में इस चुनावी जब से क्षेत्र में कटा है, मेरा एक तो वार्ड बड़ा था, अब छोटा हो, मतलब 2000 के मतदाता था। लेकिन मैं हर घर में जनता डोर टू डोर, मतलब मैन टू मैन संपर्क किया और लोगों से अच्छा खासा रिस्पॉन्स है। मतलब तो मैं जिस घर में भी गया, मैं 20 साल का होने के नाते किसी में आक्रोश में नहीं गया। मतलब ये व्यक्तिगत आपको बता रहा हूँ, कोई भी, मतलब आप मेरे घर बाहर आए हो, अगो बगो, ऐसा मतलब किसी ने भी, मतलब डोर टू डोर मैन टू मैन संपर्क, मतलब मेरी जो सोच है, मैं ऐसे मतलब कभी, मतलब मेरे ऐसा पूरे, मतलब हर एरिया में 2-3 बार मतलब जा चुका हूँ, लेकिन मेरे को ऐसा कोई दिक्कत होगा सामने। मेरे को तो जनता का पूरा 100% समर्थन है। देखिए, मैं छोटी सी सभा आपको देखने इतने सालों तक, मतलब उन्होंने क्या क्या काम किए हैं, आप उनको क्यों वोट देना चाहते हैं, इस बारे में थोड़ा बहुत बोल दीजिए। सभी से मैंने एक ही जैसा, मैंने बड़े छोटे ऐसा कोई नहीं। तो आपको क्या लगता है कि वो अभी जीतेंगे? अगर वो जीतेंगे तो कितना काम करेंगे आगे? आप जीतेंगे तो आगे काम करेंगे। तो जैसे कि उन्होंने कोरोना काल में कितना काम किया है? कोरोना काल में तो उतना मेरे को पता है। और कुछ थोड़ा बहुत सड़क बनाया, वो सब करे। कोरोना काल में भी तो साथ दिए, हर किसी को साथ दिए। क्या बताऊँ, जैसे छोटी छोटी चीज के लिए भी कहीं दो अच्छी से आगे खड़े हो जाते हैं, हर एक चीज में हेल्प की है, फैमिली जैसे पूरा हेल्प की है। तो आपको लगता है कि वो इस बार जीत सकते हैं? हाँ, एकदम 100%। हाँ, तो आपको क्या लगता है अगर वो जीत जाएंगे तो और क्या क्या काम करेंगे? बहुत अच्छा, बालाजी नगर और चेंज हो जाएगा। ग्रैंड न्यूज के लिए रंजना राज के साथ निखिल पाठक की रिपोर्ट।